Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फरा सो गई? हाँ, मैं उसे ही सुला रही थी. बड़ा मुश्किल काम है उसे सुलाना. बहुत ही स्पॉइल्ड है, तुमने तो देखा ही है ना? हाँ, अब मतलब इतनी भी स्पॉइल्ड नहीं है, बस थोड़ी सी जिद्दी है. तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए फौरन. तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का आसान तरीन हल यही है, ट्रस्ट मी. सेवत, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ये बताओ कि नताशा ने शहजाद और अपने रिश्ते के बारे में झूठ क्यों बोला? तहसीन, हम भैया हम कैसे बता सकते हैं, ये तो नताशा ही बता सकती है. आलिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और उसे फरा से कोई लगाव नहीं. सना, वो सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहती है, फरा को नहीं. उसमें मुझे अपने बचपन वाली तहसीन आंटी नजर आती. नजर क्या आती, पूरी की पूरी वही तो है जैसे तहसीन के लिए मैं और आप ही शायद घर के किसी फर्नीचर का हिस्सा थे बस. तुमने क्या है कि नई अजीब सी बात शुरू कर दी है? तुम्हें वाकई लगता है कि आलिया और मैं, तुम्हें क्या हो गया यार? मैं वही सोच और समझ रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है और जो सुनाई भी दे रहा है. इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, असद? जी आंटी. नहीं नहीं, प्लीज बैठो बैठो बैठो. मैंने तुमसे उस रात के लिए माफी नहीं मांगी. आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा लगा तुम्हें. बस एक ख्याल आया, बगैर सोचे तुम्हें कह डाला. आई एम रियली सॉरी. नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं, बल्कि मैं खुद बहुत शर्मिंदा. पता नहीं, वो बात ही ऐसी हुई कि मैं जज्बाती हो गया और अपने पर काबू नहीं कर सका और आपके सामने इतनी ऊंची आवाज में बोल उठा. आई एम सॉरी. असद, एक और बात कहनी है. जी बोले. वो जो शहजाद है ना, जी, मुझे पता चला कि वो नताशा का ना कजन है ना रिश्तेदार है. गलत बयानी की उसने. लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्या आफत है ये तहसीन? उसको कैसे पता चला? जब से आई है हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी करती जा रही है. हमें उस वक्त वाकई समझ में नहीं आया कि हम क्या जवाब दें. खड़बड़ा से गए थे हम. उसके सामने तुम ऐसे ही रहते हो. ऐसी बात नहीं है. ऐसी ही बात. खैर, तुम हमें छोड़ो और ये बताओ कि उसको किस तरह मुतमईन करें. हमें लग रहा था कि हम थोड़ी देर में शहजाद के लिए सना को राजी कर ही लेते. इस तरह तो सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा. मैं बात करूं तहसीन से? अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है. लेकिन एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे और शहजाद के रिश्ते के झूठ को बचाते बचाते हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में जान जाए. तुम फिक्र मत करो, मैं सोचती हूँ कुछ बड़े ही एहतियात से उसे शीशे में उतारना है. वैसे मुझे नहीं लगता कि सना राजी होगी शादी करने के लिए.
वो भी शहजाद से। मुश्किल है। शहजाद उसके लिए ठीक नहीं है। अब तो मुझे उस पर शक पड़ गया है। सर आपको पता किस तरह चला कि वो नताशा का कजन नहीं है? शर्जील अंकल ने बताया आपको? नहीं, शर्जील को तो पता भी नहीं था, मुझे कहीं से पता चला, मगर दैट्स अ डिफरेंट इशू। हमें शहजाद की बात खत्म कर देनी चाहिए, सना इरिटेट हो रही है। ठीक है। वो पहले से ही बहुत परेशान है, तुम भी जरा उसे प्यार से हैंडल करो, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो तुम पे बहुत डिपेंडेंट है, इसीलिए वो तुमसे शादी करने को तैयार है। असद, मैं सिर्फ उसका माइंडसेट तुम्हें बता रही हूं। सना, तुम जहां खड़ी हो उसके बारे में तो सोच के मुझे डर लगता है। वाकई तुम्हारी हिम्मत है, मैं ना खड़ा हो पाता। अदनान के बाद और फिर ज़ेबा के बाद जिस तरह तुमने अपने आप को ही नहीं मुझे और फरा को संभाला है, तुम तो एक नई सना बन गई हो। इतनी मजबूत, इतनी इतनी बड़ी। देखो, मैं जानता हूं तुम फरा के लिए क्या बनना चाहती हो और एक तरह बन भी चुकी हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसके लिए क्या कुछ करना चाहती हो। लेकिन सना, हर इंसान की एक हद होती है, अपनी बाउंड्री से बाहर तो वो नहीं जा सकता ना। तुमने और तहसीन आंटी ने जो बात की है उसके बारे में सोचना तो दूर, मैं तो तसव्वुर करना भी, आई जस्ट कांट डू इट। देखो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और रूप में, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा यार। असद, क्या हम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं, गुजार ही तो रहे हैं। असद, लेकिन लोग उंगलियां भी तो उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर आखिरकार लोगों की यही बातें हम दोनों को जुदा कर देंगी ना। सना, लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरे बारे में जो मर्जी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को कोई ना कोई औरत तुम्हें बहलाकर तुम्हारी बीवी भी बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ज़ेबा के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर आलिया? आलिया मेरे बचपन की दोस्त है, बस। हम भी तो दोस्त हैं, क्या मैं तुम्हें शादी का नहीं कह रही? सना, प्लीज स्टॉप इट। तुमसे बेहतर मैं जानती हूं कि किसी लड़की को तुमसे क्या चाहिए। कब तक ज़ेबा के प्यार में अपने आप को यूं मारते रहोगे? असद, इंसान हमेशा दुख में नहीं रह सकता, हर इंसान खुशी ढूंढता है, मैं भी ढूंढ रही हूं। अदनान के जाने के बाद आगे बढ़ ही गई हूं ना, वहीं खड़ी अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ रही। तुम क्या ढूंढ रही हो मेरी समझ से बाहर है। तुम एक अजनबी बन गई हो, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं खुशी चाहती हूँ, एक मुस्तकबिल चाहती हूँ फरा के लिए, उसे एक ऐसी सौतेली माँ से बचाना चाहती हूँ जो उसे कभी भी अपने सच्चे दिल से अपना नहीं सकेगी, इसी में मेरी खुशी है। मैं आलिया से शादी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कल को कोई और आलिया आ जाएगी। कब तक ऐसे रहोगे असद, ये सब मुमकिन नहीं है,
और जो तुम चाह रही हो वो भी मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ फरा की माँ बनना चाहती हूँ। तुम सिर्फ जेबा का एहसान चुकाना चाहती हो, वो जो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारा खून है। फरा भी मेरा खून है, उसमें मेरी जेबा आप ही का खून है। उन्होंने जिन दुखों से मुझे बचाया, मैं उनकी बेटी पर वो दुख कैसे आने दे सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम पालो फरा को, मैं चला जाता हूँ। ताकि वो बाप से भी महरूम हो जाए। असल जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम अपनी बेटी से दूर रह पाओगे? उसे माँ और बाप दोनों चाहिए। मुझसे पूछो, मेरे पास दोनों नहीं थे। जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे बेहतर फरा के लिए कोई माँ नहीं बन सकती। लेकिन सना, तुमसे शादी मैं नहीं कर सकता है यार, हरगिज नहीं, किसी सूरत नहीं। चाहे तो मैं पता भी चल जाए कि हमारे सारे मसाइल का यही सबसे आसान हल है। सब आसान हल सही नहीं होते। मैं अपनी नजरों में इतना गिर जाऊंगा कि तुम भी नहीं उठा पाओगी मुझे। असद तुम बस मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो कदम उठा लूं तुमसे बचने के लिए जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तुम जेबा नहीं बन सकती। मैं जेबा तो नहीं बनना चाहती असद, जेबा की तरह बनना चाहती और बन भी चुकी हूं। जरा गौर से देखो तुम्हें नजर आएगा। मतलब रिजाइन करना चाह रहा हूं। तुम अच्छी तरह सोच कर ये कदम उठा रहे हो। तुम नौकरी छोड़ रहा है सर? मैं शायद दफ्तर के साथ साथ जेबा को भी छोड़ दूं। कुछ और लगा दो। What? क्रिकेट यार, इंडिया पाकिस्तान, इस वक्त कुछ और लगाने की बात करना तो इखलाकी तौर पे जुर्म भी और मुल्क से गद्दारी भी। असर क्या तुम्हें क्रिकेट नहीं पसंद? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था। डैडी की वजह से। डैड की वजह से क्या? डैडी की वजह से मुझे क्रिकेट से चिढ़ है, बचपन से। किसी भी टीम का मैच हो ना, वो तो ऐसे देखते थे जैसे कि उन पे फर्ज हो। फिर तो बहुत ही कोई सुलझे हुए, वाइज, ज़हीन बुजुर्ग होंगे। सारी जिंदगी उन्होंने मुझसे बात करते हुए नजरें टीवी पर ही रखी हैं, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन तुम्हारा ख्याल तो बहुत रखा है ना, प्यार बहुत करते हैं तुमसे। वो तो है, लेकिन मामा उनसे बहुत गुस्से होती हैं। उन्होंने हमेशा उनसे कहा है सब काम छोड़ो, जाके एम्पायर या कमेंटेटर बन जाओ। तुम्हारी मामा बहुत अकलमंद है, ग्रेट आइडिया। क्रिकेट की क्रिकेट, दुनिया की सैर भी, और साथ पैसे भी बहुत मिलते हैं। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे डैड से मिलना चाहिए, हम दोनों ने एक अरेंजमेंट करते हैं, एक कमेंटेटर बन जाए, दूसरा एम्पायर। तो मिल लो आके घर, मामा वैसे भी तुम्हें बुलाती रहती हैं। अच्छा, सीरियसली वो दोनों ही मुझे कह रहे थे कि असद को खाने पे बुला लो घर। ऑलराइट, ओके। असद इधर देखो। हाँ? इधर देखो असद। परसों रात 8 बजे मेरे घर। इधर देखो, और जब तक तुम हाँ नहीं कहते ना, तब तक इधर ही देखते रहो। अच्छा भाई ठीक है, परसों रात डिनर तुम्हारे घर पे 8 बजे। हाँ अब यार ठीक है भाई, प्लीज कोई आउट हो जाएगा देख ले। कंफर्म? कंफर्म बाबा, प्लीज अब देख लूं मैं। देखो एक और आउट।
السلام علیکم جی السلام علیکم شرجیل صاحب او کیسے ہو بیٹا ٹھیک ہوں اور ابا کیسے ہیں تمہارے بس بہتر ہیں شکر اللہ انہیں شفا عطا فرمائے آمین شرجیل صاحب میں نے کل ملنا تھا آپ سے ٹائم لینا چاہ رہا تھا آفس میں ارے خوش آمدید لیکن اس میں وقت لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی بھائی تمہارا اپنا دفتر ہے جب چاہے آ جاؤ سر میں تو دفتر کا ایک ملازم ہوں بلکہ تھا آپ کا وقت قیمتی ہے اس لیے میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا بھائی تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج تمہاری گفتگو میں ایک اجنبیت کی جھلک ہے کیا سوچ رہے ہو میاں سر میں نوکری چھوڑنا چاہ رہا ہوں مطلب ریزائن کرنا چاہ رہا ہوں تم اچھی طرح سوچ کر یہ قدم اٹھا رہے ہو ان حالات میں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہی کرنے جا رہا ہوں سر میں اسی لیے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا دفتر میں وہیں تفصیل سے بات ہوگی ٹھیک ہے بیٹا ہم صبح ہی سے تمہارے منتظر ہوں میں تقریباً 11 بجے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا بیٹا جس طرح تمہیں آسانی ہے ہماری تو یہی دعا ہے ہمیشہ سے کہ تمہارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے اور مشکلات کے بھنور سے تمہیں آزاد کرے آزادی ہی ڈھونڈ رہا ہوں میں اب شکریہ شرجیل صاحب کل ملاقات ہوتی خدا حافظ خدا حافظ تو نوکری چھوڑ رہا ہے سر کیوں ابا دیکھ بیٹا تو پہلے ہی دفتر نہیں جاتا انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تجھے زیبا بھی نہیں ہے اور تو بھی چھوڑ دے گا تو کون دیکھے گا یہ سب ابا سب کچھ ہمیشہ شرجیل صاحب ہی دیکھتے آئے آج کل بھی شرجیل صاحب ہی دیکھ رہے مجھے آپ کو اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے گڈ بائے زیبا مجھے معاف کر دینا
सना अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। बड़ी तेजी से लोग घेरा तंग कर रहे हैं। आपका मतलब आलिया? आलिया, नताशा, शहजाद, असद के अब्बा। असद पे इतना प्रेशर आ गया है कि मुझे लगता है कि वो कोई कदम उठा बैठेगा। क्या तुम अभी भी असद से शादी करना चाहती हो? चाहती मैं कभी भी नहीं थी, लेकिन फराह के लिए मुझे अभी भी सबसे बेहतर रास्ता यही लगता है। है तो असद के लिए भी, आले के साथ वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो तो सिर्फ मजबूरी में उसकी तरफ पड़ रहा है। आलिया सिर्फ फरार का रास्ता है उसके लिए। वो ये नहीं कहता, वो तो ये भी नहीं मानता कि वो आलिया के बारे में सोच रहा है। बस उसे मेरे साथ शादी की बात से चिढ़ खंड नफरत है, जबकि प्यार वो तुमसे करता है हमेशा से। हाँ, दोस्त तो हम थे। नहीं, उसको तुमसे मोहब्बत है। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने जो देखा समझा है वही कह रही हूँ। जेबा के साथ उसे देखकर पता चला उसको जेबा से प्यार है और तुम से मोहब्बत, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मम्मी, हालात ना बदलते तो कभी ना बोलती, मगर अब कह देने में कोई बुराई नहीं। मम्मी, मुझे ये सारी बातें अब नहीं सुननी। मुझे इन सब चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये सब कुछ फराह के लिए कर रही हूँ। आप ही के ठीक होने तक मुझे फराह को हर तकलीफ से बचाना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यही वक्त है असद का फैसला सुनने का, वरना देर हो जाएगी सना। मुझे पता है, आज मैं असद से जवाब लेकर ही रहूंगी। जिस तरह भी हो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और अगर ना माना वो? मामी, मेरी बात सबको माननी पड़ती है। बहुत ऊंचाई से गिरने वाली हो तुम मेरी बच्ची। Precious. डैड की कलेक्शन है, पूरी दुनिया से जमा करके लाए हैं। चलिए, मैं चलता हूँ। अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। कॉफी? भाई अभी तो चाय पी है, खाना खाया है। थैंक्स अ लॉट। तो वैसे ही रुक जाओ। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स भी अच्छा नहीं लगते। वो तो बहुत कूल और रिलैक्स्ड है, तुमने देख तो लिया होगा। हाँ, दे आर, दे वेरी नाइस। लेकिन मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं ना फिर। ओके। एक्चुअली असद, तुम जैसे ही जाते हो ना, मैं तुम्हें मिस करना शुरू कर देती हूँ। सच्ची। अच्छा, तुम जा ही रहे हो तो दो मिनट रुक जाओ। मम्मी ने कहा था कि असद को मुझसे मिले बगैर जाने मत देना। sure. मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी कर आलिया से। असद, तुमने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब बस। जवाब दो असद। सनत, तुम्हारे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब, और वो मैं तुम्हें दे चुका। मुझे पहले की कोई बात याद नहीं है, इसीलिए अब बात करने आई। फाइनल, एक आखिरी दफा, इसलिए जवाब दो। सना, असद, तुम मुझसे शादी करोगे? सना, करोगे?
सना प्लीज तुम हाँ या ना, सीधा सा जवाब चाहिए मुझे। सना प्लीज चले जाओ यहाँ से। हाँ या ना? ना, नो, नहीं करूंगा। असद तुम मुझे ना कह रहे हो? हाँ मैं तुम्हें ना कह रहा हूं। अब प्लीज ये सवाल दोबारा मत करना। सर करोगी भी कैसे? मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी कर रहा हूं आलिया से। असद तुमने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब बस। तुमने तो कभी मेरी किसी भी बात का इनकार नहीं किया, कभी भी नहीं। काश कर लिया होता, आज ये नौबत ना आती कि तुम मुझसे ये सवाल पूछती। असद प्लीज प्लीज, देखो इस घर को बचा लो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। नो नो, प्लीज चुप कर जाओ, चुप जाओ यहां से। सना आखिरी बार बात कर रहे हैं तो पूरी बात कर लो, मैं बहुत जल्द आलिया के साथ शादी कर लू और मैं जेबा को तलाक दे रहा हूं। आपी को क्यों? सवाल खत्म। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि बेहतर है कि तुम मुझसे सुनो ना कि किसी और से। आपे को सर तुम भी ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिप्लाई। सॉरी, मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, मुझे माफ कर देना। हसन साहब, आप कैसे? वेलकम वेलकम, आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है सर, उम्मीद है कि अब आप पक्का हमारे पास ही वापस आ गए। शुक्रिया, पक्का तो जरूर है लेकिन शायद वापसी के लिए नहीं। मतलब शर्जील साहब है जी, वो ऑफिस में ही थे, उन्हें प्लीज खबर दे दें कि मैं आया हूं। अरे आप आए हैं सर, इस तरह क्यों कह रहे हैं? आए ना सर। नहीं, मिस किंसा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? शर्जील साहब को प्लीज कह दीजिएगा कि असद साहब मिलना चाह रहे हैं। जी सर। सर असद साहब आए हैं आपसे मिलने।
जी सर, जी ओके सर, ओके सर, वो आपको कमरे में बुला रहे हैं। थैंक यू। लेकिन अब्बा की, अब बेटा तुम्हारी निगाह भी झुकी हुई है आज पहली दफा। हसद अपनी नजरों को उठाओ और हमारी नजरों से मिला के कह दो कि तुम्हें सेवा बेटी से नफरत हो गई है, और ये भी कह दो कि तुम उसके मर्ज से बेजार हो चुके हो। हसद, हसद तुम ये कह दो हमसे कि अब तुम्हें हमारी जेबा बेटी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही, तो हम अपनी नजरें झुका देंगे और तुम्हारे फैसले के आगे अपना सर तस्लीम खम कर देंगे। जेबा मेरी पहली मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। मैं ऐसे नफरत कैसे कर सकता हूं? तो फिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं रहा खुदा पर? हो सकता है बेटा कि खुदा हम पर मेहरबान हो जाए और जेबा को लौटा दे। क्या तुम अपनी मोहब्बत के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते असद? मैं तो इंतजार कर रहा था शर्जील साहब, और कर सकता हूं, शायद हमेशा करता, लेकिन अब्बा के पास इंतजार करने का वक्त नहीं रहा। की तबीयत पहले नहीं संभल रही थी और अब उन्हें मेरा भी रोग लग गया। वो जाने से पहले मुझे खुश देखना चाहते हैं। उन्हें मुझे अकेला छोड़ने से डर लग रहा है। मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, मगर उनकी आंखों में जो तकलीफ, जो दर्द हमेशा होता है, उससे बहुत कुछ कह जाते हैं। ओ, फिर तो तुम भी मजबूर हो असद, और तुमसे मजीद दिलतजा करना बेटा ना इंसाफी होगी तुम्हारे साथ। बस सर, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरा जेबा और सना दोनों से दूर हो जाना ही बेहतर है। असल, लेकिन सना बेटी से दूर क्यों? हम समझे नहीं। समझा तो मैं भी नहीं, छोड़िए, बस मुझे मेरे रास्ते पे जाने दीजिए, और अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। नहीं असल, नहीं बेटा, हम तो अपनी बेटी की मोहब्बत की खुदगर्जी में तुमसे सब कुछ कह रहे थे, वरना तुम तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो बेटा। जिंदगी थम नहीं सकती किसी के लिए भी, चाहे हम उससे कितना भी प्यार क्यों ना करते हैं। बेटा, ये दुनिया गर्दिश पर कायम है, ये कभी भी रुक नहीं सकती। तुम जो कर रहे हो बेटा बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो, और हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं। थैंक यू।
रेजिग्नेशन साथ लेकर आया था। तलाक के कागज जब आ जाएंगे तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। मेरे लॉयर ने कहा है कि जेबा की हालत में उन्हें उसके लीगल गार्डियन के पास पहुंचा दें। से रिश्ता है।